सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि सीबीएसई क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन है मन में, मतलब बच्चों के मन में कन्फ्यूजन भी है, टेंशन भी है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए नहीं हो गए, कितना हम वेट और करें, क्योंकि कब न्यूज़ वेबसाइट कह रही कि अब एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं और एक तरफ न्यूज़पेपर कह रहे हैं कि क्लास 12th की डेट शीट आ सकती है, एक तरफ यूट्यूबर कुछ कह रहे हैं, कभी कोई कुछ कह रहा है, तो बच्चे माइंड की तरफ से हर तरफ से कन्फ्यूज़ हो रखे हैं, क्योंकि ऑफिशियली सीबीएसई कुछ बोल नहीं रहा और सीबीएसई जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं बोल रहा, बच्चों के माइंड स्ट्रेस, माइंड पे लोड भी है और एंजाइटी, मतलब बहुत सारे बच्चों को हो रखी प्रॉब्लम। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर अब इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, मैं आप सभी को ज़्यादा कुछ तो बोलूँगा नहीं, आप सभी को मैं एक अपनी तरफ से एडवाइस कर सकता हूँ, क्योंकि जब लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे तो उस टाइम कई बड़े पॉलिटिशियन का काफ़ी बड़ा रोल था। उनमें से एक मेरे को याद आ रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी। ये जो पॉलिटिशियन है, ये वैसे तो बीजेपी गवर्नमेंट के है, जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर रूल कर रही है, रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उन्हीं के ही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है, कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर भी है, सॉरी कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर नहीं है, ये लोकसभा में मिनिस्टर है। तो ये जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, इन्होंने लास्ट ईयर बच्चों को काफ़ी सपोर्ट किया था, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम कैंसिल में भी सपोर्ट किया था, 10th में भी सपोर्ट किया, साथ में नीट के एग्जाम में भी सपोर्ट किया था बच्चों को, और माना ये भी जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के काफ़ी क्लोज है। तो देख लो, अगर आप इन तक अपनी प्रॉब्लम पहुंचा सकते हो, तो अगर सुब्रमण्यम स्वामी जो पॉलिटिशियन है उनका सपोर्ट आपको मिल गया, तो आपको आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी मिलेंगे और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल में ये बहुत हेल्प करें। तो आप सभी के सामने मैंने एक ऑप्शन रख दिया है सुब्रमण्यम स्वामी का, इनका ट्विटर अकाउंट है @सुब्रमण्यम स्वामी के नाम से, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर शो कर रहा हूँ सामने। आप एक बार इनको अपने ट्वीट में टैग करते रहो, ज़्यादा टैग करो, अपनी बात इन तक पहुँचाओ। अगर इन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि फिर डॉक्टर रमेश पोखरियाल सर को अपना डिसीजन चेंज करना पड़े, क्योंकि मिनिस्टर जो सुब्रमण्यम स्वामी है ये प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी क्लोज है और इन्होंने लास्ट ईयर भी एग्जाम कैंसिल करवाए हैं। तो इनको प्रॉब्लम समझाओ, इनको बताओ कि हम जून 1st तक वेट नहीं कर सकते, हमें काफ़ी स्ट्रेस, अपनी जो प्रॉब्लम है वो इनको बताओ। तो आप सभी के सामने मैंने ऑप्शन रख दिया, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी जरूर शेयर करना, और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन तो कमेंट करके बता देना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आशा करते हैं फिर सेफ रहो।